हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा हो, जिसको हम कहते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन हो। किस तरह से एक डायरेक्शन के अलोंग, जिस तरह हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जी एक्सिस होता है, हम इनमें से किसी भी एक डायरेक्शन को, किसी भी एक एक्सिस को पकड़ेंगे और कहेंगे कि पार्टिकल जस्ट उस एक ही लाइन में मूव कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे हमने एक बॉक्स लिया है, लेकिन पार्टिकल कहाँ पे मौजूद है? पार्टिकल यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग, या ये जो वॉल्स हैं, जिन हम कहेंगे कि ये वॉल्स हैं इस बॉक्स की, जो रेड कलर में शो है, और नीचे जो ब्लैक कलर में, यहाँ पे बॉटम ऑफ द बॉक्स पार्टिकल यहाँ पे मूव करेगा। वो इधर भी मूव नहीं करेगा, वो इस वॉल के अगेंस्ट भी मूव नहीं करेगा, जस्ट वो इस ब्लैक लाइन के अगेंस्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी कि वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, लेकिन ब्लैक लाइन के ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये इनिशियल इसका पॉइंट है 0, और इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैक्सिमम लेंथ हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ली, उसको हमने ए कह दिया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक्स इनिशियल डिस्टेंस है इस लेंथ का, और ए जो है वो फाइनल डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग इस लाइन का, और पार्टिकल इसी लाइन के ऊपर आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहीं भी बॉक्स में मौजूद नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल जो पॉइंट 0 है, वहां पे दीवार है, पार्टिकल तो नहीं है ना वहां पे, इस वजह से साई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। इसी तरह से पॉइंट ए के ऊपर भी दूसरी वॉल है, पार्टिकल यहाँ पे मौजूद नहीं है, 0 और ए के दरमियान जरूर है, लेकिन ए के ऊपर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे भी साई की वैल्यू 0 होगी। और इन दो चीजों को बाउंड्री कंडीशन कहा जाता है, जब एक्स 0 हो और साई भी 0, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी। जब एक्स ए के इक्वल हो और साई 0 हो, तो ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहलाएगी। अब हमने एक एक्सिस के अलोंग, एक डायमेंशन के अलोंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखना है कि वो क्या होगी, तो वो है डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस 8 पाई स्केयर एम ओवर एच स्केयर ई माइनस वी इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। और एक और बात है कि पोटेंशियल एनर्जी वी जो है, पोटेंशियल एनर्जी को शो करता है, ई काइनेटिक एनर्जी को शो करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉक्स जो है पार्टिकल की, वो 0 है, आउटसाइड द बॉक्स जो है इंफिनिटी है। तो यहाँ पे जो वी है, उसकी वैल्यू हम 0 अगर पुट कर देते हैं, वी की जगह पे अगर 0 हो जाएगा, तो ई माइनस 0 होगा, ई माइनस 0 इज इक्वल टू ई। इस वजह से यहाँ पे इक्वेशन में चेंज आएगी और ये माइनस वी खत्म हो जाएगा, खाली ई रह जाएगा। अब हम एक इक्वेशन बहुत पीछे पड़ चुके हैं, वो इक्वेशन क्या थी उसको देखते हैं। वो एनर्जी की इक्वेशन थी, वो एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? E इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर एच स्केयर ओवर एच पाई स्केयर एम। इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें लैम्डा स्केयर की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये लैम्डा स्केयर की वैल्यू जानने के लिए कंपेयर करेंगे हम एक जगह पे। अब इस पूरी इक्वेशन को हम चेंज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे हम इतनी वैल्यू को अगर देख लें, तो ये सेम यही वाली स्केयर एम ई ओवर एच स्केयर की जगह पे लैम्डा स्केयर लिख देंगे, और ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस तरह से कुछ। डी स्केयर साई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस लैम्डा स्केयर साई इज इक्वल टू 0। अब ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हल किया जाएगा तो इसका एक सोल्यूशन आता है। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, हम उसको हल नहीं करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल इसको सॉल्व नहीं करते, लेकिन बाकी जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको पूरा डिराइव करते हैं। तो जस्ट इसको हम हल करके जो आंसर आता है उसको हम लिखेंगे और उसी को याद रखेंगे। तो इसको हल करने के बाद एक आंसर आता है, वो आंसर क्या है? वो है साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स
माइनस बी कॉस लैम्डा एक्स। अब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके ए साइन लैम्डा एक्स में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन दो थी। पहली बाउंड्री कंडीशन ये है कि साई भी 0 के इक्वल है और जो एक्स है उसकी वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि ये है वो साई इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। इस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करके हम इस इक्वेशन में चेंज करेंगे और इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स मौजूद है, एक्स की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। यहाँ एक्स मौजूद है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। और यहाँ पे साई मौजूद है, हम इसको यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो ये साई है, इसको 0 पुट कर दिया। ये एक्स है, इसकी जब वैल्यू आएगी तो हम इसको 0 पुट करेंगे। ए साइन लैम्डा एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे माइनस बी कॉस लैम्डा और अगेन हम इसको पुट करेंगे 0। जब ये 0 होगा तो कॉस लैम्डा इंटू 0 कॉस 0 हो जाएगा, इस तरह साइन लैम्डा इंटू 0 साइन 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम इधर लिख लेते हैं, चेंज हो जाएगी 0 इंटू ए साइन 0 माइनस बी कॉस 0। 0 ए साइन 0 0 के इक्वल होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, माइनस बी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको इधर लिखेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस बी। 0 माइनस बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन बनी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको दोबारा से इसकी वैल्यू को पुट करना है, वो ये आई है कि बी इज इक्वल टू 0। अब जब b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम ये वाली इक्वेशन जो है इसको देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किसके अंदर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि ये हो जाएगी इक्वेशन साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स माइनस 0, यानी ये पूरे का पूरा जो है फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू 0 होगी। जब बी कॉन्स्टेंट 0 हो गया, 0 इंटू एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0, तो सिर्फ ये रह जाएगा ए साइन लैम्डा एक्स। अब हमने एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमने दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दूसरे कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। शुरू में ही मैंने बताया था पहले कि एक बाउंड्री कंडीशन ये है और दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन साई इज इक्वल टू 0 ये वाली, और ए इज इक्वल टू एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स। और एक्स कहाँ पे, अब हमारे पास सिर्फ इक्वेशन यहाँ तक रह गई। इसमें जो बी वाला फैक्टर था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि बी कॉन्स्टेंट 0 होने की वजह से जो बी के सारी आगे जो पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ ये रह गया और इसमें एक्स ये है और इस एक्स की जगह पे हम ए पुट करने। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। साई इज इक्वल टू ए लैम्डा एक्स, साई 0 के इक्वल हो गया, सेकंड बाउंड्री कंडीशन यही थी, ए कांस्टेंट है, साइन लैम्डा एक्स की बजाय यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा ए। तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो हम यहाँ पे एक चेंज करते हैं, वो चेंज ये होगी
के लैम्डा ए इज इक्वल टू एन पाई के, क्योंकि जब साइन की वैल्यू एन पाई होती है तब भी साइन 0 के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, साइन पाई भी 0 के इक्वल होता है, साइन 2 पाई भी इक्वल टू 0 होता है। तो इसको जनरली कहते हैं कि साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, जबकि एन क्या हो सकता है, एन एन जो है वो 0, 1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये चलता जाता है, ये इसके इक्वल हो सकता है। यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू आएगी एन पाई ओवर ए, लैम्डा स्केयर होगा एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। शुरू में मैंने कहा था कि हम लैम्डा स्केयर की वैल्यू जो है वहां पे एक उसको स्केयर में कर दिया था कि इसको हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे, तो ये लैम्डा की स्केयर की वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने इस लैम्डा स्केयर की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, ये वाली। तो ये आ जाएगी 8 जो हमारे पास पहले थी, 8 पाई स्केयर एम इंटू ई ओवर एच स्केयर इज इक्वल टू जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है सामने, एम स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर। पाई स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगी और ई की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लें, ई इधर ही रहेगा और बाकी सारी चीजें हम उसको दूसरी तरफ ले आएंगे। एम स्केयर यहाँ पे एच स्केयर है ये, तो ये डिवाइड कर रहे हैं, इधर आके ये मल्टीप्लाई कर देगा एच स्केयर, और एम और एट जो है इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 एम और यहाँ पे ए स्केयर ये आ जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ई की एक और वैल्यू आ गई, और हम ये ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एनर्जी लेवल है उस वो मास ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगा, जो पार्टिकल की एनर्जी है या आप लोग कह सकते हैं वो मास ऑफ पार्टिकल के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ता जाएगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, और एन स्केयर जो है वो एनर्जी लेवल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी हमारे पास ए स्केयर जो है वो डिस्टेंस है तो उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम दोबारा से इस इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं। इस इक्वेशन में अब हम थोड़ी सी चेंज ये करेंगे कि हमें ये पता करना है कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के अंदर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100% बॉक्स के अंदर ही मौजूद है, पार्टिकल के पाए जाने का इम्कान 100% ये है कि वो बॉक्स के अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो हमारे पास एक टर्म होती है जिसको हम साई स्केयर कहते हैं, साई स्केयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाए किसी भी जगह पे, तो इसका मतलब ये है हम अगर कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है साई स्केयर जो है वो 1 है, अगर वो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर मौजूद नहीं है, बॉक्स के बाहर भी है। लेकिन हमने शुरू में कहा कि हमने इस पार्टिकल को इस लेंथ के अंदर दीवारें लगा के कैद कर दिया है और ये बाहर नहीं जा सकता, तो 100% पार्टिकल इधर ही मौजूद है, और 100% पार्टिकल का अंदर मौजूद होने के लिए जो वैल्यू है वो उसका 1 होना जरूरी है। अगर वो 1 से कम है तो इसका मतलब है पार्टिकल इस पोजीशन के अंदर मौजूद नहीं है, थोड़ा वो बाहर भी है जो कि नहीं है अच्छे में, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि पार्टिकल की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है इनसाइड द बॉक्स। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करने के बाद
हम इस जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए करेंगे, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन साइड द बॉक्स इज 100%, विच इज कार्ड के 1। इसको 1 के इक्वल करने के लिए हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे और उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, इन साइड दी बॉक्स मौजूद है, और लेंथ 0 से लेके लेंथ ए तक, यानी कि इस लेंथ से बाहर नहीं है और इस लेंथ से ऊपर भी नहीं है, वो इसी लाइन के ऊपर आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन इससे ना तो ऊपर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना इधर जा रहा है, बल्कि इस लाइन के ऊपर ही रहता है। इस वजह से हमें बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी कि पार्टिकल जो है वो 0 पोजिशन से लेके, जो कि ये है, ए पोजीशन तक मूव कर रहे हैं। बाउंड्री कंडीशन ए अपर लिमिट है और 0 जो है वो लोअर लिमिट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, जिसको हम साइज स्केयर से सपोज करते हैं, इंडिकेट करते हैं, और ये डी एक्स जो है इंटीग्रेशन के इस्तेमाल होगा, और इज इक्वल टू वन होने का मतलब है ये नॉर्मलाइज हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन साइड दिस बाउंड्री 0 से लेके ए तक वो 1 है, यानी कि पूरे का पूरा पार्टिकल 0 से ए के दरम्यान ही मौजूद है। अब साई स्क्वायर में हम साई की वैल्यू पुट करेंगे, तो साई की वैल्यू हमारे पास ये है, साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। ए साइन लैम्डा एक्स, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है साई का, तो यहाँ पे भी हम स्केयर लिखेंगे। डी एक्स इज इक्वल टू 1, स्केयर ए के ऊपर भी लिखा जाएगा और साइन लैम्डा एक्स के ऊपर भी लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर है, ए और 0 यहाँ पे आ जाएगा, ए स्केयर साइन स्केयर। एंगल के ऊपर कोई स्केयर नहीं आएगा, सिर्फ साइन के ऊपर स्केयर आएगा, एंगल के ऊपर स्केयर नहीं आता। तो ये डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ए स्केयर बाहर आ गया। अंतर रह गया साइन स्केयर साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स में हमारे पास लैम्डा जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट करते। हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है के cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब हम इसको अगर इधर ले आए और इसको इधर ले जाए, बोले 2 साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई करा, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड करेगा, 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 2, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, यही हमने यहाँ पे करना है। ये साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स है, तो इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस कोस 2x। एक्स हमारे पास क्या है एक्चुअली, ये है खाली एक्स नहीं है, ये हमारे पास लैम्डा एक्स, तो इसको हम लिख देते हैं।
एक्स की जगह पे हम लैम्डा एक्स लेंगे, बाकी कोई चीज चेंज नहीं होगी। ए स्क्वायर, ए अपर जो लिमिट है वो ए है, लोअर 0 है। साइन स्क्वायर, सॉरी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2। एक्स की जगह पे अब हम लैम्डा एक्स लिखेंगे, लैम्डा एक्स इंटू 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा की वैल्यू पहले मैंने कहा था कि हम लिखते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा छोड़ दिया था कि ताकि हम पहले ये फॉर्मूला लगा लें उसके बाद हम अप्लाई करें। और दूसरा ये 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर ले जाते हैं। जब हम इसे बाहर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्केयर ओवर टू ए 0 1 माइनस कॉस 2। लैम्डा की वैल्यू अब हम पुट करते हैं, लैम्डा की वैल्यू पीछे हमने देखी थी क्या थी, लैम्डा की वैल्यू थी एन पाई ओवर ए, तो ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, एन पाई ओवर ए और साथ में है एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इंटीग्रेशन इन दोनों क्वांटिटीज के साथ अलग अलग करेंगे, पहली क्वांटिटी है 1 और दूसरी क्वांटिटी है कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर ए। इस पूरे के साथ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लगाएंगे और इंटीग्रेशन में क्या आएगा ये सारा कुछ आएगा, यानी हमने 1 के साथ भी ये सारा कुछ लिखना है, ये सारा कुछ 1 के साथ भी लिखना है और इस वाली पूरी वैल्यू के साथ भी लिखना है, कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर ए इस पूरे के साथ भी हमने लिखना है। तो इसको सेपरेट करेंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, ये कांस्टेंट है, ये दोनों के साथ आएगा और ये वाला भी जो है इंटीग्रेशन का साइन विद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये भी दोनों के साथ आएगा 1। और ये जो डी एक्स है ये भी दोनों के साथ आएगा इंटू डी एक्स, अब माइनस का साइन आएगा, फिर ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट ए लोअर लिमिट 0 कॉस 2 एन पाई एक्स ओवर ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका जो हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये डी एक्स ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स होता है ए स्क्वायर ओवर 2। अब हम इंटीग्रेशन एक्स आ गया वो लिख सकते हैं, अगर खाली एक्स आ गया तो हम लिख देते हैं, अगर ये हमारे पास लिमिट्स नहीं होती, अपर और लोअर लिमिट नहीं होती, तो हम अपर और लोअर लिमिट को ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर ओवर 2। अब ये हमारे पास इसको लिखने से पहले यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला लग रहा है, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला लग रहा है, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज, अगर कॉस खाली हो ना हो बल्कि इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट भी हो, ये 2 कॉन्स्टेंट और फिर एक्स है, तो इसका होता है 1/2 जो ये कांस्टेंट होता है ये ऐसे डिवाइड करता है और आता है साइन 2x, 2 भी आता है और साथ में x भी आता है। अब हम इस पूरे के जो इंटीग्रेशन है वो साथ में लिखते हैं, यहाँ पे साथ में dx भी आना चाहिए था, यानी कि cos 2x डॉट dx इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x के इक्वल, तो हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन। अब ये जो एक्स है हमारा सिंपल नहीं है, हमारा जो साइन है ये 2 तो कांस्टेंट था, जिस तरह यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो ये कांस्टेंट था वो तो हमने बाहर लिख दिया और ये 2 इधर भी आ गया, लेकिन हमारा जो एक्स है वो ये सारा एक्स के अंदर शामिल होगा, ये सारा एंगल है, तो इसको पूरे को लिखेंगे, एक्स की जगह पे हमने ये पूरा लिखना है,
एन पाई एक्स ओवर ए। अब ये इंटीग्रेशन आ गया, लेकिन इसकी लोअर और अपर लिमिट भी लिखेंगे, अगर अपर और लोअर लिमिट नहीं होती तो ये इंटीग्रेशन हो चुकी थी। अब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को कहाँ पे अप्लाई करना है, एक्स के ऊपर अप्लाई करना है, यानी कि एक्स की जगह पे हम पहले लिखेंगे अपर लिमिट, फिर एक्स की जगह पे माइनस साइन लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। यहाँ पे भी हमने ऐसे करना है, एक्स की जगह पे हमने लगाना है पहले अपर लिमिट, फिर एक्स की जगह पे हमने लगाना है लोअर लिमिट, लेकिन दोनों के दरमियान में माइनस होगा। ए स्क्वायर ओवर टू, एक्स को दो बार लिखेंगे, एक एक्स लिखेंगे अपर लिमिट के तौर पे ए, फिर लोअर लिमिट के तौर पे लिखेंगे जीरो, लेकिन दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर, ये जो टू है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो टू टू जार फोर। अब हमने ये पूरा इसी तरह से लिखना है, पूरा ये साइन, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, साइन टू एन पाई ओवर ए, ये ऐसा ही रहेगा। अपर लिमिट क्या है, ए है, तो एक्स की जगह पे हम ए पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट। अब लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा के लिखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में ये 1/2 था, इसे बाहर हमने लगा दिया, लिख दिया, ये इस तरह 4 में कन्वर्ट हो गया। अब हम दोबारा से इसको लिखेंगे साइन टू एन पाई, उसके बाद एक्स आ गया, एक्स की लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय ए। अब 0 है तो ये सारा जो है, ये सारे का सारा जो है ये 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो साइन 0 हो जाए, और साइन 0 का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा माइनस के बाद 0 हो जाएगा। ए माइनस 0 एक इक्वल होगा कैपिटल ए स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 आ गया इधर, माइनस ए स्क्वायर ओवर 4, अंदर आ गया है साइन 2 1 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 4 साइन 2 पाई, अगेन 0 के इक्वल होता है, माइनस 0, ये मैं लिख देती हूँ इधर, ये साइन 2 पाई, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पीछे देखी थी कि साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सारे इस तरह से 0 होते हैं, और साइन 0 अगर आ जाए तो वो भी 0 के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा, 0 फिर ए स्क्वायर ओवर 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 माइनस ए स्क्वायर ओवर 4, 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वायर ओवर 4 अंदर जो रह गया था 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू 1, तो ये सारा 0 हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर 2 इंटू स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, कांस्टेंट है ए, इसको रखना इधर, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ जाएंगी, 2 डिवाइड करा उधर मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 1, और ये ए जो है वो मल्टीप्लाई करे इधर आके डिवाइड करेगा, तो ए का अगर हम स्केयर खत्म करना चाहें तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका भी, और यहाँ पे इसका भी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए, और ये 2 इसके खत्म हो जाएगा स्केयर के साथ, ए इज इक्वल टू 2 ओवर ए। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखी थी बिल्कुल ये वाली, यहाँ पे हमने इसके अंदर ए की वैल्यू जो है जो कांस्टेंट था वो फाइंड आउट कर ली है, और अब वहां पे पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी साई इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, और साइन में हमने बाकी लैम्डा एक्स जो है उसको नहीं देखना, यहाँ पे कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट जो है वो ए है, तो
तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे अंडर रूट 2/a लैम्डा एक्स, सॉरी साइन लैम्डा एक्स साइन। तो इसमें एक एक्चुअल में हमारा इश्यू क्या था, हमने सिंपल एक इक्वेशन बनाई थी, ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई थी, इसमें हमने पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट की, तो वो तो आराम से होगी, बी की वैल्यू 0 आ गई। फिर उसके बाद से मसला ये बना कि अगर हम इसको भी 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो ए की वैल्यू नहीं आनी थी कोई भी, अगर एक कांस्टेंट हमारा 0 हो गया तो हम दूसरे कांस्टेंट को 0 नहीं करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे दूसरे कांस्टेंट को 0 नहीं किया बल्कि यहाँ पे हमने उसकी एक वैल्यू निकाली है अंडर रूट 2/a। ठीक है, तो इस वजह से उसके लिए हमने ये सारी जद्दोजहद और स्ट्रगल की। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।